में मैं हूं आपके साथ मुरली मेहता। बात करेंगे राजस्थान के पूर्व राज्यसभा सांसद जमुना देवी बारूपाल से। आपको बता दें कि जमुना देवी बारूपाल का परिवार वर्षों से कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा करता आ रहा है, तो इनसे राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं जमुना देवी बारूपाल से। हाँ जी, तो बताइए कि राजस्थान में इस समय कांग्रेस की क्या स्थिति? हमारे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ना कांग्रेस के लिए है ना बहुत ही सहानुभूति, बहुत ही अच्छी इच्छा है कि आने वाले चुनाव में है ना हमारे कांग्रेस राजस्थान में है ना हम है ना 100% सीटें जीत के बताएंगे। धन्यवाद जी। जैसा कि देखा जा सकता है कि राजस्थान में इतने दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा सरकार आने के बाद में दलितों के साथ में, महिलाओं के साथ में और गरीबों के साथ में अत्याचार अन्याय बढ़ा है, जबकि है ना कुछ भी कम नहीं हुआ है। इसलिए किसान इनसे दुखी। जीएसटी के साथ में जब इन्होंने लागू किया तब दुनिया ना दुखी है। जब 150-150 आदमी तो किसान मर गए, 150-200 आदमी जो बैंकों का जो होगा ना तब मर गए। तो ऐसा होता है कि प्रबल आदमी होता है ना उसके सामने गरीब बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसका रिजल्ट है ना मौका आने पे ही इनको चुकाता है। लोग बहुत है ना नाराज है। आज यानी बच्चों के साथ में, औरतों के साथ में जितना बलात्कार होता है, आज तक हमने, पहले मेरी है ना 85 साल की उम्र हो गई है, लेकिन हमने कांग्रेस के राज में है ना ये इतना है ना ये धांधलेबाजी लापरवाही नहीं देखी। हमारा प्रधानमंत्री मीठी मीठी भाषा में कहता है हम तो है ना वो क्या है ना सिलेंडर दे रहे हैं फ्री गरीबों को। एक तरफ तो वो सिलेंडर देने की घोषणा करता है, एक तरफ से दूसरे तरफ ही एक सिलेंडर के पीछे है ना 250-250 रुपया बढ़ा देता है। तो सर बाप रो चलते हुए कहीं बताओ, हम इस बातों को है ना बर्दाश्त नहीं करते। इसका रिजल्ट है ना समय आएगा ना तब इनको जवाब दे देगी जनता है ना कि इन्होंने क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है। आप लोगों को सबको ये पता नहीं है कि किसान 150-150 किसान मर गए, और बैंकों का जब वो हुआ तो बैंकों में ना कितने लोग 150-200 आदमी मर गए। एक आदमी मर जाता है, हिरण भी मर जाता है तो उसको है ना सजा मिलती है, और इसके राज में हजारों आदमी मर गए, सजा तो सजा, इसको कोई है ना फिटकार कहने वाला भी नहीं है। और हम तो डरने वाले आदमी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है ना वो आई थी तो लाखों लोगों ने है ना आजादी में जेल गए थे तब है ना कांग्रेस आई थी हैं। हम तो आज भी गीत गाते हैं कि कांग्रेस ने वोट दी जो दुखड़ा तारा हरसियो हैं। कांग्रेस आई थी ना तो दोरी घनी आई थी, लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी थी है ना, भगत सिंह जी और चाहे कोई और हो, तब ये कांग्रेस आई। मेरे फादर तो खुद भी है ना जेल में गए थे, तब है ना हमारे घर में रोटी नहीं पकती थी, तो है ना एक पैसे के, उस वक्त जमाना अच्छा था, एक पैसे के भुने हुए चने खाते थे ना, इतने चने आते थे। हम लोग तो बिल्कुल जो है ना इनको भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस के लिए हम अपनी जान दे देंगे, कांग्रेस को जिता के छोड़ेंगे। धन्यवाद जी। जैसा कि जमुना देवी बारूपाल जी ने बताया कि किस तरीके से इनके पिताजी भी वहां से सांसद जा चुके हैं, इन्होंने कांग्रेस को सेवाएं दी है, और दलितों के खिलाफ भाजपा शासित प्रदेशों में इतने जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ, इसके तौर पे हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार बना पाएगी? कांग्रेस सरकार बना चाहे डंडे के जोर से बना पाएगी राजस्थान में, और जगह की मैं बात नहीं कहती। तो आप ये किस कारण से कहती हैं कि वहाँ पे जिस तरीके से हो रहा है, किस कारण से कहती हैं आप? कितनी आप, मैं क्या क्या बताऊं। देखो किसान है ना मर रहे हैं, किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे, और आज तक है ना हमारे जो नहर आई थी ना, तो नहर आई थी ना तो मेरे पिताजी 5 बार MP बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि है ना ए भारत रा परदान, नेहरू जी मने नहर मंगा दो, नहर मंगा दो थे और अन उपजाओ वाला में जवार मने नहर मंगा दो। वो नहर आई और हमारा बीकानेर राजस्थान इलाका ही नहीं, पूरे राजस्थान में सरसब्ज बने, किसान है ना मतलब बलिष्ठ बने, और उनका जो है ना दरिद्र दूर हुआ। लेकिन है ना कि भाजपा सरकार में है ना मतलब आज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी खुद की जमीन है, हम किसान है, जमीन है, लेकिन है ना जहाँ है ना 2-2 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया मिलता था,
आज है ना हमें 1 लाख नहीं 54 वहां से मिलने वाले नहीं है, पानी नहीं है, क्या करेंगे हम, मरेंगे किसान? इनको फूल माला थोड़ी चढ़ाएंगे ऐसे लोगों को कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया तमाम तरह की चीजें, और क्या हम इनसे ये जानते हैं वहाँ पे दलितों के खिलाफ जो इतना अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो आज इनसे हम जानेंगे कि कांग्रेस की जो वहाँ पे जो कांग्रेस की स्थिति जो है वहाँ पे वो कैसी है। कांग्रेस की स्थिति बहुत बढ़िया है। अब मिठाई तो है नहीं कि मैं आपके मुंह में डाल के मीठी बात कह दूं, वक्त आएगा ना तो रिजल्ट बताएगा इनका, इनके कर्मों का फल है ना वो है ना अगले चुनाव में सामने आ जाएगा। मैं मेरी उम्र इतनी है और मेरे पिताजी के साथ में मैंने बचपन से काम किया, मैं UAT की चेयरमैन भी रही, मैं प्रधान भी रही, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रही, और कांग्रेस ने मुझे एक दलित महिला समझते हुए मुझे है ना राज्यसभा का सांसद बनाया मेरे अशोक गहलोत ने और सोनिया गांधी ने, समझे ना। तो वो हमारी पार्टी जो है ना एक गरीब को है ना मतलब एक महिला समझ के दलित समझ के उनके 2500 रुपया जो है ना वो भी नहीं लगाए तो हम इस गुण को कैसे भूल सकते हैं। हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन वोट है ना भाजपा को नहीं देंगे, ना देने देंगे। धन्यवाद। राजस्थान में जो कांग्रेस की जो स्थिति है जो इन्होंने बताया हमें इसके बारे में, अब भाजपा में जो वहाँ पे मौजूदा सरकार है वसुंधरा राजे की, वो उनके विफलताओं के कारण क्या 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 वो असफलता उनके कारण है बताएंगे। भूख के मर रहे 100-150 आदमी भूख के मारे मर गए किसान। उस फिर दूसरा कारण वो GST लागू हुई तब किसान मर गए हैं। आज है ना मेरी बात सुनो, आडंबर तो करते हैं रोज हमारे राजस्थान सरकार के, हम दलितों को नौकरी देते हैं एक दिन, लेकिन इन्होंने इतने साल में एक भी दलित आदमी को नौकरी नहीं दी। पढ़े लिखे लोग इतने गरीब होते हैं वो पेट काट काट के अपने बच्चों के है ना अरमानों को पूरा करने के लिए उनको शिक्षित बनाते हैं, और शिक्षित बनाने के बाद में ना आज बेघर बैठे खावे क्या भूंगड़े, बताओ। ये इतना अत्याचार कौन सहन कर सकता है बताओ, जितना अत्याचार अन्याय इस भाजपा सरकार में हो रहा है ना इतना सरकार आजादी के बाद में हमने कभी देखा तक नहीं है, इसलिए हमें नाराजगी है भाजपा से। धन्यवाद। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि क्यों नाराजगी है वहाँ पे भाजपा के खिलाफ, हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे यदि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इनकी सीटें आती है तो उसका श्रेय किसे देंगे। मतलब जो वहाँ पे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अगर जीत मिलती है तो आप उसका श्रेय किसे देंगे। हमारी सरकार जब आएगी ना, हमारी सरकार में हमारे नेताओं में सचिन पायलट हो और चाहे अशोक गहलोत हो, हमारे कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, हमारे दोनों में से कोई भी बन सकता है, और दोनों ही हमारे हीरे है पत्थर नहीं है, अशोक जी भी और सचिन भी। और यदि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आप किसे, हमारे दो है दोनों में से, भाइयों में से कोई बड़ा हो जाए छोटा हो जाए हमें तो दोनों ही मंजूर है। हाँ तो हम इनसे जानेंगे कि आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो आप किस उम्मीदवार को उस क्षेत्र से देखना चाहती हैं या किसे आप खड़ा करना चाहेंगे। ऐसा है कि मैं तो वो क्या कहते हैं लड़ो बिटिया लड़ो बुआ, मेरे को तो ना मेरे अशोक जी भी कहते हैं मेरा सचिन भी कहता है, लेकिन मैं निर्विरोध राज्यसभा की है ना MP बनी। 2500 रुपया भी हमारे मुख्यमंत्री ने गिरजा व्यास ने भरा, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मौका किसी और को भी मिले। तो किसे मिलना चाहिए आपके मौका, किसने मिला ये मैं फोटो कैसे बता दूं। हमें ना हमारा चुनाव का टाइम आएगा, हम उनकी योग्यता हम उनकी नम्रता हम उनकी है ना मतलब सेवाएं और गुण देख के है ना हमारे लोग है ना उनको टिकट देंगे, और वो टिकट में हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे। जो हमारे निर्णायक है ना ये दोनों ही यानी हमारे है ना भगवान के तुल्य है, चाहे वो सचिन हो और चाहे ना अशोक गहलोत हो, मंजे हुए हीरे हैं मंजे हुए। मौजूदा दौर में जो भाजपा की सरकार है केंद्र में वो राहुल गांधी यानी कांग्रेस अध्यक्ष को नेता नहीं मानती है, इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे। मौजूदा दौर में जो केंद्र सरकार है वो राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष को नेता नहीं मानती है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। नहीं नेता मानते हैं तो उसकी अज्ञानता है, चाय बनाने वाले ये राजघराने में जो है ना इन्होंने बलिदान दिया है,
इंदिरा गांधी ने कितना बलिदान दिया, राजीव गांधी ने कितना बलिदान दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल जी के घर जन्म में जिस वक्त वो पढ़ने जाते थे तो कॉलेज के जितने रास्ते थे उन रास्तों में उनको कारें लेने आती थी, लेकिन कारें आरे सब छोड़ के जेले भोगी है, कितनी कुर्बानियां दी है। तो ये पार्टी है ना फोकट में जन्मी नहीं है, इस पार्टी ने कुर्बानियां दी है, देश के लिए जाने दी है, है? कांग्रेस को वोट दी जो दुखड़ा सारा हर्चो है कि नहीं, कहते ना वो कहना करोड़ा कुर्बानी दी, एक तो कुर्बानी है ना मतलब है ना वो सरदार है ना मेरे तो गीत जोड़े हुए है कई है, फांसियों के झूले ऊपर भगत सिंह सा झूले हो है कि नहीं, झूले है कि नहीं, कांग्रेस के लिए है ना उन्होंने कुर्बानियां दी है, कांग्रेस के लिए कुर्बानियां दी जब आज उनका नाम अमर है, जगह जगह मूर्तियां लगी हुई है, जगह जगह उनके नाम है, पंडित जी इतने राज घराने के हो के और जिस दरवाजे से कारें आती थी उन कारों को छोड़ करके जेलें भोगी कि नहीं, इंदिरा गांधी भी जेल गई थी, और इंदिरा गांधी का है ना पति जी भी है ना वो भी जेल गए थे तब इनकी मुलाकात हुई थी जेलों में। तो कांग्रेस ने जो देश के लिए जितनी सेक्रीफाइस अपने आप को लोगों ने दिया, त्याग किया है, तपस्या की है, जनता की सेवा की है, आज मुझे बताओ ये है ना दिल्ली जो चमाचम कर रही है ये क्या ब्याज बाजापियों ने बनाई है, एक सुई तक तो बनती नहीं थी हिंदुस्तान में, आज बम के बम गोले बन रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है बात, इनकी मोदी जी की देन नहीं है। मोदी जी चाय बेचते बेचते लोकप्रिय हो गए और तेरे भाग में लिखा हुआ था तो प्रधानमंत्री बन गए। राजस्थान के राज्य में कांग्रेस की कार्यकर्ताओं और जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? जनता ना आजकल सभी समझदार है, मूर्ख नहीं है। कांग्रेस का विकास, कांग्रेस की ममता जो देखी है ना उसको देख के अपने आप आने वाले टाइम में फैसला करेगी। किसी के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ना वो दूध मुहे बच्चे नहीं है जो किसी के भुलावे में आ जाए। बताओ आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देने जा रहा हूं कि हम मर भी जाएंगे ना हम तो कांग्रेस के लिए वोट देंगे। बहुत मुश्किल से कांग्रेस आई है, करोड़ा कुर्बानी दी, नहीं तो ली नहीं आजादी, फांसियां रे झूले ऊपर भगत सिंह सा झूलिया हो, खुशी राम बिस्मिल रा बेटा की यहाँ भूलिया हो। बताओ इस देश के लिए कितने जने है ना मरे, कितने जने है ना जेले गए, इनको तो फोकट में बड़ी बनाई रसोई मिल गई, बच्चा पंगड़ों को पक्की पकाई रोटी में आके बैठ गए, और भूलेंगे मैं झूठ बोले, झूठ बोलने वाला चुगलखोर आदमी वो हमेशा ही है ना वो एक बार तो फेमस हो जाता है लेकिन झूठ बोलने वाला चोरी करने वाला हमेशा फेमस नहीं रहता, ये मान ले बेटा। ऐसे तमाम लोगों की जानकारी के लिए सुनने के लिए जुड़ रही है आरटी न्यूज के साथ, धन्यवाद।